चलिए अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, जहां अंगद जो है वो प्यार तो कालिंदी से करते हैं लेकिन हल्दी भैया किसी और के नाम की लगा रहे हैं। देखिए ये ना एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम हो गई है सीरियल्स की कहानी की। भैया जब आपको पता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं, शादी किसी और से करने जा रहे हैं और खुश रहने नहीं वाले, तो व्हाई यू एंटरिंग इन दैट सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस। कालिंदी को खुद ही मजबूर किया अंगद ने कि वो उससे प्यार करने लग जाए। उसने शादी के सपने भी दिखाए, लेकिन अब देखिए एक खुद ही किसी और के साथ ब्याह रचाने चल पड़ा है। अंगद जो कल तक कालिंदी से प्यार करता था, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था, आज वही अंगद एक किसी और का कैसे हो रहा है? अपने प्यार को एक किसी और का होते वो भी कैसे देख सकती है? उसकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। अंगद का ऐसा करने के पीछे कोई मकसद तो होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रह्म राक्षस का पता लगाने के लिए अंगद ऐसा कर रहा है? अब भी अंगद किसी का पता लगाने के चक्कर में आप किसी दुल्हन को शहीद ना होने देना, क्योंकि आप सीरियल के हीरो हैं, आपकी वजह से किसी की जान जाए ये शोभा नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी चाल चली होगी उसमें आपको सफलता जरूर मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।